सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैंने एक लास्ट वीडियो डाली है, सुबह सुबह एक वीडियो डाली थी। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, वो भी कैरम रिलेटेड ही वीडियो है, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट बोला है कि लोगों को मेरे वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है। सो प्लीज़ एक बार देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो जस्ट कमेंट डाउन करना, मेरे को पता लग जाएगा। एंड गाइज आज का वीडियो होने वाला है यूके प्लान करने से पहले आपके पास क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जैसे हम कहीं पे जाते हैं ट्रिप पे, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे ही वैसे ही अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले चीज़ आपको क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या होना ज़रूरी है आपके पास। सो फर्स्ट थिंग, आप अगर स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट, जैसे मैं एज अ स्टूडेंट आई थी, तो आई विल टॉक अबाउट ओनली स्टूडेंट लाइफ। सो एज अ स्टूडेंट आपको आना है यहाँ पे, तो आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको आईएल्स का रिजल्ट चाहिए, एटलीस्ट आईएल्स में 6 बैंड होने चाहिए। ओके, ये पहली रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, आपके पास फाइनेंस होना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। मेक श्योर गाइज आप कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे अगर एक भी, जैसे आप जब भी एडमिशन एप्लीकेशन फिल करते हो, समझ लो आपने कोई एक एप्लीकेशन एक भी डॉक एक डॉक्यूमेंट नहीं दी गलती से, और या तो आपने गलत कुछ निकलता है उसमें से, तो आप आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्शन में जाएगा इंस्टेड ऑफ अप्रूवल। सो मेक श्योर कि आपके हर डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, सभी डॉक्यूमेंट्स पर आपका नाम एकदम सही लिखा हो, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, कहीं पर भी कोई भी डिजिट मिस्टेक नहीं चलेगी, बिकॉज बहुत केयरफुली देखते हैं ये लोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने उनके कोई डॉक्यूमेंट में कुछ तो उनके डैड का नाम का एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो ही गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एंड कहते हैं ना कि, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने बताना कि एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया, देना भूल गए, तो उसकी वजह से भी उनका रिजेक्शन आ चुका है गाइस। तो ये चीज़ें ना हो, अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर रखो आप, कि एंड में आपको सामने वाले को मौका मत दो कि वो आपको कुछ बोले। एंड नेक्स्ट, आप एप्लीकेशन आप टाइम पर डालो। ये एप्लीकेशन लेट डालने वाले मेरे लाइक मुझे मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने लेट एप्लीकेशन डाला एंड देन उनको रिजेक्शन आ गया। सो मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन लेट नहीं डाल रहे हो और टाइम पर डाल रहे हो, ताकि चलेगा 1 महीने पहले आप डाल दो एप्लीकेशन, वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि एक महीना लेट डालना। एक दिन लेट होने से अच्छा है आप 1 महीने पहले डाल दो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आप 1 महीने पहले डाल दो आपका एप्लीकेशन। और गाइज जब आप बोलते हैं ना कि आप प्लान कर रहे हो, तो एवरी मतलब बोलते हैं ना, 1 साल पहले से ही आप प्रिपरेशन चालू कर दो आपके यूके जर्नी के लिए। आप जैसे अभी मुझे जाने के, अभी मेरा सब अभी चलो अभी चल रहा है जनवरी, ठीक है, फेब्रुवरी चल रही है, और मुझे मई इंटेक में जाना है, तो गाइज ऐसे प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप हर चीज़ प्रॉपरली कर रहे हो, आपका आईएल्स का रिजल्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हो, और आपका बोलते हैं ना कि आपका एप्लीकेशन टाइम पर हो रहा है, तो आपका सब अगर टाइम पे होता है तो आपका वीज़ा भी टाइम पे आ सकता है। तो पहला, आप अगर आपको लिटरली यूके आना है, तो 1 साल पहले आप प्रिपरेशन करना चालू करो, और सबसे पहले आप आईएल्स के क्लासेस ज्वाइन करो। आईएल्स क्या होते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी उस पर। ये जस्ट एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था, जिसपे मैं मतलब बताना चाहती थी कि यूके आना है तो आपको क्या क्या ज़रूरत लगेगी, क्या किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यूके आने के लिए। सबसे पहले, आपको बिना आईएल्स के तो आप आ ही नहीं पाओगे, अगर आपके पास फंड है तो भी, तो पहले आपको आईएल्स देना है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है गाइस, जो बोलते हैं ना कि इंटरव्यू बेसिस पे भी हायर करती हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको लगता है कि आप बहुत
अच्छे से बात करते हो इंग्लिश में और आप इजीली सामने वाले के साथ बात कर सकते हो तो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, तो देन वेल एंड गुड। आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ जो इंटरव्यू बेसिस पे हायर करती हैं, आप उनसे इंटरव्यू, आप वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल, आप किसी एजेंट के पास जाके आप इंटरव्यू शेड्यूल करा सकते हो, एप्लीकेशन भी उन्हीं से ड्रॉप करा सकते हो। मैं नीचे अपने एजेंट के डिटेल्स दे दूंगी, आप उनको जाके एक बार आप उनको कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हो। मैं उनके उनका इंस्टाग्राम पेज दे दूंगी, तो आप उनसे एक बार बात कर लो कि इट इज़ ओनली फॉर लाइक मुंबई, जो मेरे जो एजेंट है वो मुंबई में रहते हैं, तो मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन द सेंस मैं इंस्टाग्राम पेज दे दूंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने उनसे परमिशन ली नहीं है अभी, बट नेक्स्ट कभी वीडियो आईएल्स का वीडियो बनाऊंगी तो मैं पक्का उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगी उनसे परमिशन लेकर। सो गाइज, आप पहले तो आईएल्स क्लासेस लगा लो। आईएल्स में मिनिमम बोलते ना 6 बैंड तो मिनिमम लेकर आओ, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 6 बैंड्स आते हैं तो बाद में आप फाइनेंस के लिए, अगर आपके पास फंड कम है तो आप लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई करके आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आईएल्स नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो आप, तो देन फिर हो सकता है। तो गाइज पहले आईएल्स करो, फिर बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, फिर थर्ड आता है आपका फंड। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप यूके इजीली आ सकते हो। यूके आना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। सो गाइज ये 3 चीज़ें प्रिपेयर कर लो, और नेक्स्ट आईएल्स का वीडियो मैं बनाऊंगी कुछ दिनों में, या तो फिर मैं कल ही बनाऊंगी इसके बाद, या तो 2-3 वीडियो के बाद। सो वो एक देख लेना आपकी आईएल्स का मतलब क्या होता है, आईएल्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि आपको यूके आने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड मेक श्योर कि आप 1 साल पहले से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो। अगर लास्ट मोमेंट पे करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में काम कभी नहीं होता है। मुझे 2022 का मुझे मतलब मुझे 2022 में जाना था, आना था यूके, तो मैंने 2020 में ही अपना प्रिपरेशन चालू किया था, मतलब पूरे 2 साल पहले, क्योंकि मैं आईएल्स वगैरह 2020 में ही मैंने ज्वाइन किए थे आईएल्स क्लासेस, और मैंने पूरे 6 महीने आईएल्स क्लासेस अटेंड किए। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं एक कन्नड़ा मीडियम से आई हुई लड़की हूँ और मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं थी कि मैं अपने कहते ना कि आईएल्स में मैं जस्ट 1-2 महीने पढ़कर मैं कोई स्कोर कर लूँ। तो मैंने फिर कहते ना कि मैंने 6-7 महीने पढ़ाई की, देन मैंने आईएल्स दिया। और ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार में अचीव किया, मैं फर्स्ट टाइम में मुझे कम स्कोर आए थे, बट मैं आईएल्स का वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें बता दूंगी कि मेरे स्कोर्स क्या है, कितने आए थे और मैं कैसे आई हूँ यहाँ पर। सो गाइज आप अगर प्रिपेयर अगर आपका प्लान है यूके आना, तो प्लीज़ आप आईएल्स अटेम्प्ट कर लो एक बार, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसे है। क्योंकि जो आप आईएल्स में जो ऐसे और राइटिंग लिखोगे ना, वो सेम यहाँ पर भी होता है, तो आपको एक बार आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर आपको आने का प्लान है 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, तो प्लीज़ आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर दो। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और आपको लगता है कि मैं अच्छा कंटेंट बनाती हूँ, आपके कुछ काम आ रहा है, तो प्लीज़ आप कि आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, या फिर जो आने वाले हैं, जिन लोगों को यूके आना आने का प्लान है जिनका भी, तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हो और उनको कहो कि वो एक बार देख ले, शायद उन्हें कुछ आइडिया आ जाए यूके के बारे में, कैरम्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।